नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं बात करूँगी किडनी पेशेंट के प्रॉपर डाइट के बारे में। अगर किडनी पेशेंट को अपने डाइट के बारे में पता होगा तो अपनी ट्रीटमेंट के साथ साथ अपनी डाइट पर भी कंट्रोल करेंगे, जिससे उनका क्रिएटिनिन का लेवल, यूरिया, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम सब कुछ मैनेज हो जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप सभी को पता है कि क्रिएटिनिन जो कि एक वेस्ट मटेरियल है जो खुद प्रोटीन के डाइजेशन से प्रोड्यूस होता है हमारे मसल्स में और वो मिक्स हो जाता है ब्लड में, यानी कि ब्लड में रिलीज होता है। और किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना या फिल्टर करना। जब हमारी किडनी अनहेल्दी होती है या उनमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हमारी किडनी के अंदर आती है, तो सबसे पहले क्रिएटिनिन का लेवल और यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाता है। वहीं पे देखा जाए तो पोटेशियम का लेवल भी इंक्रीज होता है और फॉस्फोरस का भी लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो आज हम इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या डाइट लें कि प्रोटीन बैलेंस में रहे और क्रिएटिनिन बैलेंस में हो जाए, पोटेशियम भी बैलेंस में हो जाए और ऑलरेडी यूरिया भी और फॉस्फोरस भी बैलेंस में आ जाए। तो अगर हम क्रिएटिनिन के लेवल को बैलेंस रखना है या यूरिया के लेवल को बैलेंस रखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको अपनी प्रोटीन डाइट जो होगी, यानी कि प्रोटीन का इंटेक जो होगा, वो आपको बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा। यानी कि प्रोटीन किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, मटन हो गया, चिकन हो गया, एग्स हो गई या पल्सेस हो गई, इन सब में प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि जो इनमें प्रोटीन के लेवल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे। अगर हम हाई प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं तो हमारा क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज होता रहेगा। तो हमें एग्स नहीं खाने हैं, मटन नहीं खाना है, इवन के फिश भी नहीं खाना है, चिकन नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें नहीं खानी होती है। अगर हम फैट की बात करें तो फैट सबसे ज़्यादा मिल्क में मिलता है और सबसे ज़्यादा मिल्क अगर देखा जाए फैट किस मिल्क में होता है, वो होता है बफेलो मिल्क। अगर हम बफेलो मिल्क लेंगे तो हमारे क्रिएटिनिन का लेवल, यूरिया सब कुछ जो होगा वो फ्लक्चुएट होता जाएगा। तो हमें मिल्क अवॉइड करनी है अगर मिल्क लेना चाहते हैं कुछ पेशेंट, क्योंकि ये बॉडी टू बॉडी वेरिएट करता है। तो मिल्क आप काऊ मिल्क भी ले सकते हैं, डबल टोन मिल्क ले सकते हैं आप। अगर आपको शुद्ध गाय का दूध अगर मिल रहा है तो आप केवल गाय का दूध भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अब अगर पोटेशियम के लेवल को हमें मेंटेन करना है तो हमें ऐसी क्या डाइट है जो नहीं लेनी है, जैसे कि कोकोनट वाटर, ये आपको इनटेक नहीं करना है। ज़मीन की जितनी भी नीचे चीज़ें होती हैं, जैसे कि आलू हो गया या गाजर हो गया या मूली हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे ज़मीन के नीचे होती हैं, या लीफी वेजिटेबल्स हो गए, इनमें पोटेशियम के लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम रेगुलर बेसिस पे पोटेशियम को ले रहे हैं, कोकोनट वाटर हो गया, कीवी हो गया, ये सारी चीज़ें अगर हम रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं किडनी पेशेंट, तो उनका पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ होगा। तो जैसे ही पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ होगा वैसे उनका क्रिएटिनिन और यूरिया भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो पेशेंट्स, किडनी पेशेंट को पोटेशियम की भी इंटेक जो होगी वो कम करनी चाहिए। अगर हम बात करें कि और पेशेंट को क्या क्या चीज़ें और अवॉइड करनी है, जी कुछ पेशेंट्स को डाउट होता है कि क्या वो पनीर या दूध या लस्सी या छाछ वो ले सकते हैं, तो मैं पेशेंट्स को बताना चाहूँगी कि जो भी पेशेंट सोचते हैं कि दही खाने से उनका क्रिएटिनिन का लेवल नहीं बढ़ सकता है या छाछ लेने से क्रिएटिनिन का लेवल नहीं बढ़ सकता है, तो अगर हम डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि पनीर हो गया, छाछ हो गया, अगर ये चीज़ें हम रोज़ाना यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी किडनी की फंक्शनिंग जो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। इसके बाद पेशेंट को क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको खानी चाहिए, जैसे कि ज़मीन के ऊपर की चीज़ें, लौकी हो गया, लौकी खानी चाहिए, कद्दू हो गया, ये पेशेंट को खाना चाहिए, जितनी भी ज़मीन के ऊपर की चीज़ें हैं, चाहे वो गोभी क्यों ना हो, पत्ता गोभी भी खा सकते हैं पेशेंट, फूल गोभी भी खा सकते हैं, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें अपने डाइट में वो शामिल कर सकते हैं। अगर किसी भी पेशेंट का
प्रोटीन बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या यूरिन में झाग बहुत ज़्यादा आ रहा है, फ्लश आउट करने के बाद भी अगर उनको उनके फ्लश में यूरिन में झाग नज़र आ रही है, तो वो पेशेंट थोड़ी थोड़ी सी अपनी प्रोटीन की डाइट को बैलेंस कर लें। जैसे कभी हफ्ते में एक बार वो एग्स खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, पर ज़्यादा प्रोटीन पाउडर या बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली जैसे मटन हो गया, ये चीज़ें इनटेक ना करें। पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अंडे में ही प्रोटीन की मात्रा आप अपने बॉडी में कवर कर सकते हैं, आप उसकी जगह पल्सेस ले सकते हैं। पल्सेस में सारे पल्सेस नहीं लेनी है, सिर्फ आप मूंग की दाल खा सकते हैं। मूंग की दाल में प्रोटीन का लेवल जो होगा वो मेंटेन रहेगा आपकी बॉडी में, और आपका क्रिएटिनिन का लेवल जो होगा वो इंक्रीज नहीं होगा। तो ये रही डाइट के बारे में। अब हम आते हैं कि कौन से फ्रूट्स किडनी पेशेंट खा सकते हैं। अगर जिन पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है तो वो गवावा यूज़ कर सकते हैं, पपीता यूज़ कर सकते हैं, एप्पल अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है, जो शुगर भी है जिन भी पेशेंट को, तो वो अपने फ्रूट्स में सिर्फ गवावा यूज़ नहीं करें। गवावा बिल्कुल बंद कर दे खाना। उनके लिए सिर्फ वो जामुन खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, और वो पपाया भी खा सकते हैं। जैसे कुछ किडनी पेशेंट हैं वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो मैं पेशेंट को ये कहना चाहूँगी कि एक्सरसाइज ज़्यादा ना करके वो योगा कर लें। योगा करने से भी हमारी किडनी जो होगी वो फंक्शनिंग करने स्टार्ट कर देगी। साथ साथ आप मेडिसिन्स भी खाएं। और मैं उन पेशेंट को, किडनी पेशेंट को ये भी बोलना चाहूँगी कि अपनी डाइट के साथ साथ अपने ब्लड प्रेशर को और शुगर के लेवल को भी मेंटेन करके चले। अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो मेडिसिन लें और अपने ब्लड प्रेशर को बैलेंस में लेके चलें। अगर डायबिटीज़ बढ़ रहा है तो डायबिटीज़ की भी मेडिसिन्स लेके अपने शुगर के लेवल को मेंटेन करें। अगर ये हम सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, किडनी पेशेंट अगर ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी किडनी फंक्शनिंग दोबारा करने स्टार्ट कर देगी, और उनका क्रिएटिनिन का लेवल अगर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएगा। यूरिया जहाँ बढ़ रहा है वो भी बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएगा। पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी वो बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अपने पेशेंट से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी किडनी पेशेंट हैं वो अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ डाइट पे भी फोकस करें, तो जाके उनकी किडनी पूरी अच्छी तरीके से फंक्शनिंग करनी स्टार्ट कर देगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी पेशेंट किडनी से सफ़र कर रहा है तो वो भारत होम्योपैथी में उसका स्वागत है। हमारी मेडिकल टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन मेडिसिन भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ओपीडी में डायरेक्ट मुझसे मिलना है तो अपॉइंटमेंट फिक्स करा के ओपीडी में विजिट कर सकते हैं।